गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम डिस्कस करने आए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 1 डेज टू 28 डेज। साइट पे कंक्रीट का पोरिंग करते हैं या कास्टिंग करते हैं तो हमारा 1 से 28 दिन के बीच में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए वो हम आज देखेंगे। ठीक है गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर सिविल इंजीनियर को मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, जब कंक्रीट कास्टिंग करते हैं तो क्यूब को फिलअप करते हैं, क्यूब को हम टेस्ट करते हैं आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 1 डेज, आफ्टर 7 डेज, आफ्टर 28 डेज। ये डेज है कास्टिंग डेट, कास्टिंग डेज, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन परसेंटेज। ठीक है, कास्टिंग डे, एक डेज में आफ्टर 1 डेज जब मैंने कास्टिंग कर दिया, ठीक है, कॉलम हो, स्लैब हो, बीम हो, किसी का कास्टिंग कर दिया अकॉर्डिंग टू कंक्रीट ग्रेड सपोर्ट डेट। मान लीजिए कि कंक्रीट का हमारा ग्रेड M20 है, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है M20 के लिए 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और जैसे कि ग्रेड M20 ग्रेड का जो रेशियो होता है वो होता है 1:1.5:3। ठीक है, इस ग्रेड का मैंने कास्टिंग किया, कास्टिंग करने के बाद जब हम उसको क्यूब टेस्ट करेंगे तो 1 डेज आफ्टर 1 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन परसेंटेज में कितनी होनी चाहिए वो होगी हमारी 16%। ठीक है, आफ्टर 3 डेज कितनी होनी चाहिए वो होगी 40%। मीन दैट कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगा, कंक्रीट जो स्ट्रॉन्ग होगी वो आफ्टर 3 डेज 40% होगी, एंड आफ्टर 7 डेज ये होगा 65%, आफ्टर 14 डेज 90%, आफ्टर 21 डेज गाइज 96%, आफ्टर 20 डेज 99% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर इंजीनियर को मालूम होना चाहिए कि मैंने कंक्रीट का कास्टिंग कर दिया, क्यूब को फिलअप कर दिया, क्यूब फिलअप करने के बाद जब हम क्यूब को टेस्ट करेंगे तो 1 दिन के बाद उस कंक्रीट का स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, आफ्टर 3 डेज कंक्रीट का स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। मीन दैट इन बिटवीन 1 डेज टू 28 डेज हमारी जो कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मुझे याद करके रखना पड़ेगा, ये माइंड में सेव करके इसको रखना पड़ेगा।